हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना रिवीजन टॉपिक जो है वह हम कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा जो रिवीजन टॉपिक चल रहा था जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वह था हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर हमारा क्या होता है, जनरली कॉम्बिनेशन या सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बोल सकते हैं हम। फ्लिप फ्लॉप्स की अगर बात करें तो फ्लिप फ्लॉप इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट, यानी कि 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। सो जब कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप की बात आती है, यानी कि जब हमें एन बिट का रजिस्टर बनाना होता है तो हमें वहाँ पर एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने होते हैं। उसके बाद हमने जो है फ्लिप फ्लॉप के ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करा, जैसे कि हमारा फैच ऑपरेशन होता था, डिकोड ऑपरेशन था, एग्जीक्यूट ऑपरेशन था। यह ऑपरेशंस जो हैं हमारे रजिस्टर के अंदर परफॉर्म होते हैं। उसके बाद जो हमने डिस्कस करा था वो हमने टाइप्स ऑफ रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर के बारे में डिस्कस करा था। आज जो हम अपना रजिस्टर नेक्स्ट रजिस्टर का टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वह है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो आइए बात करते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है वो हमारा क्या टास्क परफॉर्म करता है। दिस रजिस्टर इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट दोज आर प्रोड्यूस बाई द सिस्टम, यानी कि हमारा यह रजिस्टर जो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, इसका हम यूज जो करते हैं वो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए करते हैं जो कि सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। व्हेन द सीपीयू विल जनरेट सम रिजल्ट, जब सीपीयू हमारा कुछ रिजल्ट को जनरेट करता है आफ्टर द प्रोसेसिंग के बाद, देन ऑल द रिजल्ट विल बी स्टोर इन टू द AC रजिस्टर। तो हमारे जो भी प्रोसेसिंग के बाद के रिजल्ट होते हैं वह हमारे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर्ड हो जाते हैं। तो यानी कि हम बात करें अगर सिंपल वर्ड्स में तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का जो मेन वर्क होता है वह CPU द्वारा जो भी प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट आते हैं उनको स्टोर करना होता है। तो आइए अब सेकेंड रजिस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर। नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा मेमोरी डेटा रजिस्टर। सो मेमोरी डेटा रजिस्टर इज़ द रजिस्टर ऑफ अ कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट, यानी कि अगर हम बात करें कंप्यूटर्स कंट्रोल यूनिट के में तो हम मेमोरी डेटा रजिस्टर को यूज़ करते हैं। दैट कंटेंस द डेटा टू बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर स्टोरेज, यानी कि जो अपने पास रखता है वह उस डेटा को जो कि कंप्यूटर स्टोरेज यानी कि हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और द डेटा आफ्टर अ फैच फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोरेज, और वह डेटा जिनको यूज़र के द्वारा लिया जाता है उस डेटा को भी मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है वह अपने पास रखता है। यानी कि अगर हम बात करें तो फैच ऑपरेशन में क्या होता है कि यूज़र के द्वारा लिया गया डेटा और मेमोरी के द्वारा लिया गया डेटा फैच करते हैं हम, ठीक। सेम एज क्या होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम यही होता है कि वह वही डेटा रखता है जो यूज़र के द्वारा दिया गया होता है और या फिर जो मेमोरी में स्टोर होता है। इट एक्ट्स लाइक अ बफर एंड होल्ड्स एनीथिंग दैट इज़ कॉपीड फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि यह बफर की तरह वर्क करता है और होल्ड रखता है चाहे वो कुछ भी हो जो कि कॉपी किया जाता है मेमोरी से और प्रोसेसर के लिए रेडी किया जाता है यूज़ करने के लिए। MDR होल्ड्स द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज़ टू द डिकोडर, यानी कि MDR उस इंफॉर्मेशन को अपने पास पहले से रखता है जो कि डिकोडर के पास जाने को होती है। तो यह हमारा मेन टास्क होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब बात करते हैं इंडेक्स रजिस्टर की। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है? अ हार्डवेयर एलिमेंट विच होल्ड्स अ नंबर दैट कैन बी एडेड टू, यानी कि यह इंडेक्स रजिस्टर की बात करें तो यह हमारे एक हार्डवेयर एलिमेंट होता है जो कि अपने पास उन नंबर्स को रखता है, उस कह सकते हैं हम उस कैपेसिटी को रखता है दैट कैन बी एडेड टू द एड्रेस पोर्शन ऑफ अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस में एड और सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं सम केसेस में इफेक्टिव एड्रेस को जनरेट करने के लिए। ऑल्सो नोन एज बेस रजिस्टर, यानी कि इंडेक्स रजिस्टर जो होता है इसको हम बेस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। एन इंडेक्स रजिस्टर इन अ कंप्यूटर CPU इज अ प्रोसेसर। अगर हम बात करें इंडेक्स रजिस्टर की तो कंप्यूटर CPU के अंदर जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं
मॉडिफाई करने के लिए ऑपरेंड का जो एड्रेस होता है ड्यूरिंग द रन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम पर हम जो हमारा ऑपरेंड एड्रेस होता है उसको हम सीपीयू के प्रोसेसर रजिस्टर के द्वारा जो मॉडिफाई करते हैं हम ऑपरेंड एड्रेस को, वो हम इंडेक्स रजिस्टर की हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर। MBR स्टैंड्स फॉर मेमोरी बफर रजिस्टर, यानी कि कभी कभी इसको MBR भी बोल दिया जाता है कि डिफाइन द MBR रजिस्टर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर की बात हो रही है। तो दिस रजिस्टर होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ डेटा, यानी कि यह जो रजिस्टर होता है वह अपने पास रखता है, यानी कि स्टोर एक तरीके से डेटा के कंटेंट्स को और इंस्ट्रक्शंस को जो कि रीड किए जाते हैं मेमोरी से, रीड और राइट किए जाते हैं मेमोरी में। इट मीन्स दैट दिस रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शन, यानी कि अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर है ये हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर, ये डेटा को स्टोर रखता है या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर रखता है जो कि मेमोरी से हमें मिलते हैं या मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को हम भेजते हैं, यानी कि मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं या फिर मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन हम स्टोर करते हैं। तो यह टास्क होता है हमारा मेमोरी बफर रजिस्टर का। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा रजिस्टर। तो डेटा रजिस्टर की अगर हम बात करें तो रजिस्टर यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर टू टेम्परली स्टोर डेटा, यानी कि ऐसे रजिस्टर जिनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं डेटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए, बींग ट्रांसमिटेड टू और फॉर्म ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं या लिए जाते हैं पेरिफेरल डिवाइस यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन से। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बेसिक टाइप्स ऑफ रजिस्टर जिनको आज हमने रिवाइज किया। अब हम बात करते हैं आज शिफ्ट रजिस्टर के बारे में कि हमारा शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है। तो अगर हम शिफ्ट रजिस्टर की बात करें तो आ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स विच इज़ यूज टू स्टोर मल्टीपल बिट्स, यानी कि मल्टीपल बिट्स को स्टोर करने के लिए, डेटा की जो मल्टीपल बिट्स होती हैं उनको स्टोर करने के लिए हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं। एंड द डेटा इज मूव्ड फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर इज नोन एज शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए या उस डेटा को मूव करने के लिए वन फ्लिप फ्लॉप से अनदर फ्लिप फ्लॉप में, तो ऐसे रजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। सो द बिट स्टोर्ड इन रजिस्टर शिफ्टेड व्हेन द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड, यानी कि ऐसे रजिस्टर जिनकी बिट्स जो होती हैं वह द बिट्स स्टोर इन रजिस्टर, यानी कि ऐसी बिट्स जो स्टोर होती हैं रजिस्टर में और क्लॉक पल्स के साथ शिफ्ट की जाती हैं इनसाइड और आउटसाइड द रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के इनसाइड और आउटसाइड, तो ऐसे रजिस्टर हमारे शिफ्ट रजिस्टर कहलाते हैं। टू फॉर्म आ एन बिट शिफ्ट रजिस्टर वी हैव टू कनेक्ट एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि जाहिर सी बात है जब हम एन बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाएंगे तो वहाँ पर हमें एन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ करना पड़ेगा। अ शिफ्ट रजिस्टर कैन शिफ्ट द बिट्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, यानी कि जो शिफ्ट रजिस्टर होता है उनको हम शिफ्ट करते हैं आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, यानी कि राइट और लेफ्ट में उसे शिफ्ट करते हैं। अ शिफ्ट रजिस्टर विच शिफ्ट द बिट्स टू द लेफ्ट, यानी कि जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वह शिफ्ट करता है बिट्स को लेफ्ट में, तो उसको हम शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। एंड इट शिफ्ट द बिट्स टू द राइट, और जो राइट में शिफ्ट करता है उसको हम राइट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर बोलते हैं। तो अगर हम बात करें शिफ्ट रजिस्टर की तो शिफ्ट रजिस्टर्स जनरली जो होते हैं उनको कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, तो आइए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि किन कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सीरियल इन सीरियल आउट, यानी कि सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। देन सेकंड टाइप है हमारा सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट। देन थर्ड है हमारा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। देन पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक। देन बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर और यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि अभी हम जो है शिफ्ट रजिस्टर्स के, अब हम बात कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर की, ठीक। अभी हमने रजिस्टर के टाइप्स डिस्कस किए थे, अब हम डिस्कस जो करेंगे वह शिफ्ट रजिस्टर के टाइप्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो होता है हमारा, वह सीपीयू के द्वारा जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसको स्टोर करने का वर्क करता है। ये भी हमारा क्या कहते हैं, एक मेन टाइप होता है हमारा रजिस्टर का। उसके बाद हमने मेमोरी डेटा रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि मेमोरी डेटा रजिस्टर हमारा जो होता है वह भी एक अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कैटेगरीज ऑफ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर की कैटेगरीज में। इट यह जो है जनरली बात करते हैं तो हम मेन मेमोरी के द्वारा या यूज़र के द्वारा जो भी डेटा मिलता है उसको यह अपने अंदर स्टोर रखता है। यह बफर का भी काम करता है, यानी कि यह डिकोडर्स के पास भेजने से पहले जो डेटा एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसको अपने पास स्टोर रखता है। उसके बाद जो हमने बात करी वो हमने बात करी इंडेक्स रजिस्टर की। इंडेक्स रजिस्टर जनरली जो होता है हमारा, उसके पास कुछ नंबर्स होते हैं, यानी कि हम बोले तो इंडेक्स नंबर्स होते हैं जिनको हम यूनिक एड्रेस या फिर इफ़ेक्टिव एड्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि एड्रेस में हम ऐड और सबट्रैक्ट का वर्क करके उसको एक इफ़ेक्टिव एड्रेस बनाते हैं। इसको हम बेस रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इंडेक्स रजिस्टर जो होता है वह मॉडिफाई करता है ऑपरेंड एड्रेस को प्रोसेसर रजिस्टर के ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। उसके बाद हमने मेमोरी बफर रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि मेमोरी बफर रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे, वह मेमोरी से रीड राइट करने के लिए डेटा के कंटेंट्स को अपने पास होल्ड रखते हैं। उसके पास हमने पढ़ा डेटा रजिस्टर के बारे में, जो कि अपने पास माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है और डेटा को टेम्परली स्टोर करने के लिए यूज़ हम इसको करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को से और पेरिफेरल डिवाइसेस में भेजने के लिए। उसके बाद हमने शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ा कि शिफ्ट रजिस्टर जो होता है वो जनरली मल्टीपल बिट्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हमें एन बिट का शिफ्ट रजिस्टर बनाना होता है तो वहाँ पर हमें एन नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने होते हैं। अगर डेटा को हम राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है, और अगर हम डेटा को राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारा राइट लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासिफाइड हमने किया है शिफ्ट रजिस्टर को, जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, तो इनको हम कल अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।